जी, मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ाहिर चौहान। इस वक्त मौजूद हूँ कुर्सी 240 है, हल्का पीपी 167 है और यहाँ पे बिजली की डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी है। आज तीसरा दिन है लगातार अल्हम्दुलिल्लाह। गुलशन उमर कॉलोनी, साज कॉलोनी, अजमर टाउन में जो है, इसमें एम पी नज़ीर अहमद चौहान साहब की ज़ाती कावच पर, खसूसी कावच पर जो है, आप मेरी बैक साइड पर देख सकते हैं कि यहाँ पे बिजली की जो लैसकों की टीमें यहाँ पर पहुँच चुकी हैं, खंभे लगाए जा रहे हैं। कुछ ऐसी तंग गलियां हैं जहाँ पे खंभे नहीं लगाए जा सकते, आप मेरे पीछे साइड देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है फोर कोर जो स्पेशल तार होती है कि जो उस कमी को पूरा करती है तंग गलियों में जाकर, तो ये सारी जो प्लानिंग थी, सारी जो एक इसके पीछे मास्टर माइंड था, वो एम पी नज़ीर अहमद चौहान साहब का था। उन्होंने लैसको काम के साथ बैठ के मीटिंग्स की अपनी यूसी 240 के लिए, अफसान के साथ बैठे, सारे प्लान्स बनाए और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है कि ये प्लान जो हैं वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं। और इस वक्त जैसे मैंने आपको बताया कि तीन कॉलोनियों में जो 240 यूसी जो है, मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि टाउनशिप और ग्रीन टाउन के बीच पर ज़्यादा यहाँ पे काम होने वाले हैं, ज़्यादा जो है अंडर डेवलप यूसी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। लेकिन एम पी साहब ने जो है कि हिम्मत नहीं हारी, एक मुश्किल यूसी में भी जो है कि काम जारी है। इसमें वाटा का काम हो रहा है, इसी तरह बाकी कामों पर भी प्रोजेक्ट पर काम जारी है। तो ये एम पी नज़ीर अहमद चौहान साहब का जो नारा है, सियासत नहीं इबादत, आपके सामने है। ये सियासत है या इबादत है, वो आपके सामने, वो फैसला आपने करना है। सिर्फ और सिर्फ उनका मकसद, उनकी सियासत का मकसद अवाम की खिदमत है और वो खिदमत आपके सामने है। अच्छा, ये वो चीज़ें हैं जो अवाम ने नहीं कही। अवाम की प्रायोरिटीज़ कुछ और होती हैं, अवाम की डिमांड आमतौर पर होती है सीवरेज होना चाहिए जी, गली में जो है पक्की गलियाँ होनी चाहिए बस। लेकिन इन इलाकों में यहाँ पर बिजली के खंभे, बड़े खस्ता हाल खंभे थे, कई जगहों पे खंभे नहीं थे, दूर दूर से लोगों ने लंबी तारें डालकर यहाँ पर लगाई हुई थी। लेकिन जो है अब मामला ये हुआ है कि खंभों को चेंज किया जा रहा है, जहाँ पे खंभे नहीं वहाँ पे खंभे लगाए जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी तब्दीली है, हकीकी तब्दीली है। तो इसमें सारा क्रेडिट जाता है एम पी नज़ीर अहमद चौहान साहब को। मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।